इस वीडियो में हम ग्रीडी uh, एल्गो के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीडी एल्गो होती क्या है उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसकी एल्गोरिदम को देखेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे तो ग्रीडी uh, एल्गो के हम डेफिनेशन पे आते हैं ग्रीडी एल्गो इज अ स्ट्रेटजी दैट मेक्स द ऑप्टिमल चॉइस एट ईच स्टेज विद होप ऑफ फाइंडिंग द ग्लोबल ऑप्टिमल तो जैसे कि इसमें डेफिनेशन में बताया गया है कि ग्रीडी एल्गो क्या होती है एक स्ट्रेटजी होती है ठीक है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी होती है जो कि हमें ऑप्टीमल चॉइस ऑप्टीमल चॉइस मतलब बेस्ट चॉइस एट ईच स्टेज जैसे कि हम प्रॉब्लम को स्टेज बाय स्टेज सॉल्व करते हैं कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे हम स्टेज बाइज सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम के हर एक स्टेज पर ये क्या देती है हमें एक बेस्ट चॉइस देती है और इस होप के साथ कि हम जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो कैसा होगा ऑप्टीमल होगा मतलब ग्लोबल ऑप्टीमल मतलब ग्लोबल मतलब पूरे प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन होगा ठीक है तो ग्रीडी एल क्या होती है एक स्ट्रेटेजी है जो कि हमें बेस्ट चॉइस देती है प्रॉब्लम के हर एक स्टेज पे हमें बेस्ट चॉइस देती है इस होप के साथ कि हम आ, उस पूरी प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो पाथ फाइंड करेंगे वो कैसा होगा बेस्ट होगा बट साथ ही साथ इसके कुछ प्रॉस और कॉन्स भी हैं ठीक है प्रॉस क्या है जैसे कि आ, ये इम्प्लीमेंट implement, इसका इम्प्लीमेंटेशन इजी होता है और काफ़ी सिंपल होती है ये और फास्ट uh, uh, मतलब इसकी जो वर्किंग होती है फास्ट होती है ठीक है uh, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी बहुत कम होती है कंपैरिजन टू अदर एल्गोरिदम्स इसकी uh, इसका डिसएडवांटेज क्या है बट देखो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा हमें वो हमेशा बेस्ट होगा ठीक है तो ये इसका एक डिसएडवाटेज uh, है अब ग्रीडी एल्गो में हमने uh, पहले अभी देखा डेफिनेशन में कि इसमें दो टर्म्स इंक्लूड हुए हैं ऑप्टीमल एंड ग्लोबल ऑप्टीमल ठीक है तो हमें इन टर्म्स से पता चल रहा है कि जो ग्रीडी अप्रोच है वो कैसा है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ठीक है और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं दो टाइप की होती हैं एक तो फाइंडिंग मिनिमम ऑप्टीमल और फाइंडिंग मैक्सिमम ऑप्टीमल ठीक है फाइंडिंग मिनिमम ऑप्टीमल क्या होता है सपोज़ हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रैवल करना है ठीक है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना है विद मिनिमम कॉस्ट मतलब कम से कम कॉस्ट के साथ हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाएँ तो वो होता है मिनिमम ऑप्टिमल विद मिनिमम ऑप्टिमल ठीक है और मैक्सिमम ऑप्टिमल क्या होता है सपोज़ uh, कोई पर्सन है और उसे कहा गया है कि तुम्हें इस डेडलाइन के अंदर uh, इतने सारे टास्क परफॉर्म करने हैं मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं विद इन दिस डेडलाइन तो वो होता है मैग्जिम ऑप्टीमल ठीक है अब सपोज यहाँ पी एक प्रॉब्लम है ठीक है और ए क्या है एक डेस्ट एक सोर्स हो गया और बी एक डेस्टिनेशन हो गया मतलब दोनों एक नो no एक नोड है बी भी, भी एक नोड है और हमें कहा गया है कि ए से हमें बी में पहुंचना है ट्रैवल करना है विद इन ट्वेल्व आवर्स ठीक है तो तो इस प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं यहाँ पे एस वन एस मैंने यहाँ पर लिया है एंड अप टू एस ठीक है बट uh, जो हमारा फिजिबल सोल्यूशन होगा देखो इस प्रॉब्लम के सारे सोल्यूशंस है बट जरूरी बट जरूरी नहीं है कि सारे सोल्यूशन्स uh, जो हैं वो हमें ट्वेल्व uh, आवर्स में ही नोट ए से नोट बी तक पहुंचा रहे हैं ठीक है सपोज़ एस टू और एस थ्री ही हमें ट्वेल्व uh, आवर्स में ए से लेके बी बी तक पहुंचाते हैं ठीक है तो एस टो और एस थ्री ही हमारे क्या कहलाएंगे सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशंस कहलाएंगे तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं ऐसे सोल्यूशंस जो कि uh, जैसे इस प्रॉब्लम में हमें कंडीशन क्या दी गई थी कि हमें ट्वेल्व आवर्स के अंदर अंदर ए भी बी तक पहुंचना है तो ये क्या होगी हमारी कंडीशन होगी ठीक है तो फिजिबल सोल्यूशन क्या होते हैं ऐसे सोल्यूशंस जो गिवन uh, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करवा कराते हैं ठीक है तो न, ये हो गया फिजिबल सोल्यूशन हो गया अब देखो यहाँ मैंने एक ट्री बनाया हुआ है ठीक है रूट नोड हो गया थ्री एंड ये सारे लीफ नोड्स हैं इसके तो Uh, जैसे कि ग्रीडी अप्रोच जो होता है वो मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन दो तरीके के टास्क परफॉर्म करता है ठीक uh, है सपोज हमें रूट यहाँ रूट नोड से रूट से लीव तक पहुँचना है रूट से लीव तक ट्रैवल करना है ठीक है तो हम मिनिमाइजेशन uh, के केस में भी इसे सॉल्व करेंगे ग्रीडी अप्रोच का यूज़ uh, करके और मैक्सिमाइजेशन के केस में भी हम सॉल्व करेंगे ठीक है तो ग्रीडी अप्रोच जो होता है वो मिनिमाइजेशन के केस में क्या करता है हर एक स्टेज पे मिनिमाई मिनिमम वैल्यू को फाइंड करता है क्योंकि हम मिनिमाइजेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ग्रीडी अप्रोच क्या करता है मिनिमाइजेशन के केस में हर एक स्टेज पे मिनिमम वैल्यू को फाइंड करता है और मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या करेगा हर एक स्टेज पे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेगा ठीक है तो जैसे कि हमें रूट से लीव तक ट्रैवल करना है तो हम अब इस स्टेज पे हम पहले मिनिमाइजेशन सॉल्व करते हैं फिर बाद में मैक्सिमाइजेशन पे आएंगे तो मिनिमाइजेशन में इस स्टेज पर ठीक है इस स्टेज पर हम दोनों को कंपेयर करेंगे फोर और सेवन सबसे पहले तो हमने थ्री लिख लिया फिर फोर और सेवन मैं लेस क्या है मिनिमम वैल्यू क्या है फोर है फोर ले लिया हमने फिर फोर के भी दो पाथ हैं सिक्स और ट्वेंटी इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है सिक्स है ठीक है तो इन आ, तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया हमें थर्टीन मिल गया तो मिनिमाइजेशन के लिए सोल्यूशन हमें मिल गया थर्टीन ठीक है अब मैक्सिमाइजेशन के केस में देखते हैं थ्री लिख लिया हमने एज इट इज़ अब फोर और सेवन इसमें मैक्सिमाइज मैक्सिमम वैल्यू क्या है सेवन है वो ले ली हमने फिर सेवन के दो पात हैं टू और इलेवन तो एलेवन ले लिया हमने क्योंकि इलेवन क्या है इलेवन इज़ मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमाइजेशन के केस में सॉल्यूशन क्या मिला हमें ट्वेंटी वन ठीक है तो इस तरीके से यदि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है ग्रेडी अप्रोच को एक्सप्लेन करना है तो डेफिनेशन के साथ में जो मैंने ये बताया है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के दो टाइप्स एंड इस तरीके से आप समझा सकते हैं न, यदि हम डायग्राम का यूज़ करके समझाते हैं विथ प्रॉपर एग्जाम्पल तो इससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है और यहाँ पे एक ट्री बना के आपको ये तो uh, कंपलसरी है समझाना ही समझाना है इस तरीके से ट्री बना के यहाँ पे मैंने इसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब um, किया हुआ है ठीक है अब हम इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं तो एल्गोग्रिडी ए एन ठीक है ए क्या, क्या है यहाँ पे एरे है और एन क्या है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हम इस एरे में यूज़ कर रहे हैं ठीक है अब सॉल्यूशन इक्वल्स टू जीरो सॉल्यूशन भी एक एरे ही है बट स्टार्टिंग में इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे इसको ठीक है अब देखिए फॉर आई टू एन ठीक है ये जो ए से ए में आई से एन तक है ये चेक करेंगे आई टू एन मतलब इस एरे में वन uh, से लेके एन एलिमेंट्स तक हम चेक करेंगे ठीक है uh, हर एक एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे एरे के एक्स इक्वल्स टू सेलेक्ट ए ए में जो वन से लेके एन तक एलिमेंट्स हैं तो सबसे पहले हम वन को चेक कर लेंगे ठीक है वन um, को चेक कर लेंगे इफ़ फिजिबल सोल्यूशन एक्स तो हम एक्स को चेक करेंगे ठीक है uh, तो ए क्या है पहले वन है मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट वन है ठीक है तो ये वन क्या किस में आ जाएगा एक्स में आ जाएगा तो हम अब एक्स को चेक करेंगे कि क्या एक्स हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है ठीक है जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है इस प्रॉब्लम में फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है ठीक है तो वैसे ही यदि एक्स जो होगा हमारा फिजिबल सोल्यूशन होगा ठीक है तो हम क्या करेंगे आ, इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ क्या कर लेंगे यूनियन कर लेंगे दोनों सॉल्यूशंस का ठीक है कब करेंगे यूनियन यदि एक्स हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है तो ही हम इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ क्या कर लेंगे यूनियन कर लेंगे ठीक है फिर हम वापस से लूप में आएंगे वन हो गया इसके बाद हम टू के लिए चेक करेंगे ठीक है तो टू क्या हो जाएगा एक्स में आ जाएगा हमारा फिर हम चेक करेंगे कि ये जो x है वो फिजिबल सोल्यूशन है या नहीं टू हमारा फिजिबल सोल्यूशन है या नहीं ठीक है यदि हमें फिजिबल सोल्यूशन मिलता है तो वापस से हम इस सोल्यूशन को इस सोल्यूशन के साथ क्या कर लेंगे यूनियन कर लेंगे ठीक है ऐसे ही हम आ, करते जाएंगे और हमें फिजिबल सोल्यूशंस मिलते जाएंगे ठीक है फिर लास्ट में हम क्या करेंगे सोल्यूशन को रिटर्न कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सोल्यूशन solution, सारे सोल्यूशंस हमें फिजिबल ही मिलें ठीक है फिर जितने भी हमें फिजिबल सोल्यूशंस मिलेंगे लास्ट में हम क्या करेंगे उन सारे सोल्यूशन में से ऑप्टीमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर उस ऑप्टीमल सोल्यूशन को हम लास्ट में क्या कर लेंगे रिटर्न कर लेंगे ठीक है तो ये हमारी एल्गो है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे मैंने ए एन यूज़ किया ए क्या है एरे है और एन क्या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है रहे के ठीक so, है सॉल्यूशन को मैंने स्टार्टिंग में जीरो से इनिशियलाइज़ किया है अब फॉर आई टू वन यहाँ मैंने लूप का यूज़ किया आई टू वन मतलब न... एलिमेंट uh, एरे uh, के जो एलिमेंट्स हैं हम उससे चेक करेंगे ठीक है तो सपोज एक का हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया वो एक्स में आ जाएगा ठीक है अब हम चेक करेंगे एक्स जो हमारा फिजिबल सोल्यूशन है या नहीं यदि फिजिबल सोल्यूशन निकलता है तो हम इस सोल्यूशन को इस सोल्यूशन के साथ यूनियन कर लेंगे ठीक है ऐसा चलता रहेगा लोग जितने भी फिजिबल सोल्यूशंस आएंगे उसमें से हम ऑप्टीमल सोल्यूशन फाइंड करेंगे और उस सोल्यूशन uh, को लास्ट में हम क्या कर लेंगे रिटर्न कर, कर लेंगे ठीक है अब ग्रेडी एल्गोरिदम की कुछ एप्लीकेशन भी हैं हैंग्जाम्पल्स हैं ठीक है कौन कौन से हैं जैसे कि हाफ मैन कोडिंग जो कि मैं क्लास में करा चुकी हूँ नेपसेक प्रॉब्लम वो मुझे करवाना है और मिनिमम स्पेनिंग ट्री ठीक है फाइंडिंग मिनिमम स्पेनिंग ट्री तो वो हम एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आज के लिए ये ग्रेडी गोरिदम को मैंने कवर किया था इसमें जो भी डाउट्स हों तो आप कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं या फिर जो न, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो हमारा कॉलेज का ग्रुप है ठीक है